घर तोड़ने का नोटिस आ गया है। क्या प्रॉब्लम है आंटी जी? प्रॉब्लम यही है कि घर तोड़ने का नोटिस आ गया है। कहाँ है आपका घर? नेपाली नगर। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत अभी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के घर पर हूं और यहां पर सैकड़ों घरों के तोड़ने का आदेश है। पटना में नेपाली नगर एरिया है, राजीव नगर के 1024 एकड़ जमीन के मामले में उसी को लेकर अभी मिलकर आए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जो इनके मिलकर आए हैं उप मुख्यमंत्री से नेता, वो सुनेंगे इस वीडियो में। घर तोड़ने का नोटिस आ गया है। हाँ, मेरा यही कहना है कि 5 को घर बना उसी समय ये नोटिस आ जाना चाहिए था। 15 को घर तोड़ने बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। अभी तक कितने घर टूटे हैं वहाँ पे? अभी एक भी नहीं, अभी तो नोटिस आया है। कितने घरों पे नोटिस है? 90 सरकार लिख रही है, उसमें 500 है। 90 कितना एकड़ जमीन है वहाँ पे? 400 एकड़ जमीन है नेपाली नगर का। क्या मामला क्या है बताइएगा अंकल जी, जरा क्या समझा क्या रहे थे बताइए। समझा रहे थे जी कि सरकार नोटिस दे दिया है। हाँ, ये सब अवैध अतिक्रमण है, कर लिया है, इसको घर तोड़ देंगे। ठीक है, आपने 74 में एक्वायर किया, अभी तक 74 के बाद जोड़ लीजिए कितना साल हो गया है, करीब 48 साल हो गया। आप 48 पैसा किसान को नहीं दिए, आपको जमीन कैसे हो गया? हम लोग तो किसान से खरीदे। मंत्री से मिलकर के जो टीम है वो बाहर आ गई है, क्या कुछ बातचीत हुई जी बताइए। हम लोगों ने, हमारे साथ जो है, हम वरिष्ठ एडवोकेट हाईकोर्ट मंगलम साहब भी थे, उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी बातें उनके समक्ष रखी। मैं भी समय समय पर उनको असिस्ट किया और एक बात खुल करके आई कि वैसे उनके माध्यम से कि कोई कार्रवाई होने से पहले सभी विभागों के, जैसे नगर विकास को, आवास बोर्ड को और भू अर्जन को, सब किसी को बुलाया जाएगा। मंगलम साहब ने बताया कि 88 में एक्विजिशन लैप्स हो गया है, उसके बाद ये सब क्यों किया जा रहा है? एक्ट जब बना था 1024 एकड़ के लिए तो पूरब और पश्चिम का भेद क्यों उसमें डाल दिया गया? और चूंकि ये तो विस्तार से बातें हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ अभी क्या कुछ बातचीत हुई, उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा? उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विभिन्न विभागों को बुला करके 29 तारीख को, जिसमें भू अर्जन विभाग भी होगा, नगर विकास भी होगा और बिहार राज्य आवास बोर्ड भी होगा, चूंकि वैधानिकता को ध्यान में रख करके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जो CEO का जो नोटिस है वो हम लोगों से सहमत दिखे। तो आप ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि उस निश्चित का नोटिस आया है उस पे स्टे लगेगा? निश्चित निश्चित एकदम, लेकिन इस कोई बात कही उन्होंने? एकदम कही उन्होंने। क्या कहा, कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो कानूनी पक्ष रखा गया उससे पूरी तरह सहमत थे। उनको ये लगा कि दीघा में जो कुछ भी हो रहा है वो कानून को ध्यान में नहीं रखते हुए किया जा रहा है, उसी के आलोक में सभी विभाग को बुलाया गया है। यहाँ फिलहाल विभागों की बैठक कब होगी? 30 तारीख को, 30 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ होगी। क्या निकला? हमने घेराव नहीं किया, हम लोग जो है शांति एक जो है लेके आए थे वहाँ के एग्रीव्ड लोगों का, उनसे डिप्टी CM महोदय से एक आश्वासन चाहते थे। लेकिन सामान्यता होता है कि बहुत सारे लोगों को आमंत्रित बैठक में नहीं करते हैं, उसी के माध्यम से 11 लोगों को बुलाया गया। हम लोग गए, मंगलम साहब और मैं और महासचिव महोदय ने बीच बीच में सब लोग एक दूसरे को समर्थन सपोर्ट करते हुए अपनी बात को रखा, जिससे बहुत ही प्रभावित दिखे जी। और बार बार उन्होंने कहा कि ये जो है कार्रवाई इतना आसान नहीं है, क्योंकि कानून के विरुद्ध किया जा रहा है। फिर भी उन्होंने कहा कि 30 तारीख को सारे विभागों को, भू अर्जन का विभाग से लेकर के, नगर विकास से लेकर के और बिहार राज्य आवास बोर्ड को, सब किसी से जो है एक तरह से कैफियत तलब होगा
कि कानून के माध्यम से अगर वहाँ का एक्विजिशन स्टैंड नहीं करता है तो फिर ये कार्रवाई कैसे की जाती है। आज सीओ ने नोटिस भेजा है लेकिन सीओ ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। ये इसलिए नकल के लिए हमने अप्लाई किया था तो नकल देने वाले पदाधिकारी ने बताया कि अभी कर्मी ने बताया कि अभी जो है फाइल मेरे पास नहीं आई है। इससे स्पष्ट होता है कि सीओ ने कोई आदेश न पारित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन दिया, सीधा बताइए। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये कार्रवाई होने वाली नहीं है, लेकिन सबके बावजूद हमारे लोग यहाँ जो जितने लोग सफरर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। कितना मकान को तोड़ने का आदेश दिया गया था? 700 के करीब उसमें मकान आते कितने हैं। कितने लोग रहते हैं और कब से रह रहे हैं और क्या आप लोग नगर निगम का बिजली बिल देते हैं, पानी बिल देते हैं? एक आदमी को बोले हम लोग जो है नगर निगम का टैक्स का भुगतान करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसका सेल्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसके अलावा बिजली बिल है, टेलीफोन है, सब चीज का जो है हम भुगतान करते हैं। लेकिन सबसे परेशानी है यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में कि आज भी जो है हमको आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। आए दिन ये अधिकारियों के खाल मेल से अभी सुनने में आता है कि दीघा आसियाना रोड से पूर्व पश्चिम में बिजली का कनेक्शन भी मना कर दिया गया। ये जानकारी मिली थी आप जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसलिए कि विनियामक आयोग बिजली बोर्ड का गॉडफादर होता है। अभी आपको कैसा लगा जो आश्वासन मिला, क्या मानते हैं इसको? हम इसको मान रहे हैं कि ये जो है समाधान की तरफ यह मामला जा रहा है, दीघा की समस्या। अच्छा, आप लोगों के जमीन का रजिस्ट्री भी नहीं होता है? सुने, संतुष्ट है नगर विकास के साथ, डिप्टी सीएम के साथ बैठक से पूरी तरह हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा, इसलिए कि जो कार्रवाई होनी है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से होनी है। कल कोई ऐसा कोई नोटिस आया है कि कल से बुलडोजर वहाँ पे चलेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया है, ये समाचार पत्रों के माध्यम से जरूर आया है, लेकिन आप लोग की जानकारी, लेकिन सुना जाए, हम लोग जो है अभी सीओ के आदेश के विरुद्ध जो है उनके उच्च प्राधिकार जो है वहाँ हमारा अपील होगा, और अपील होगा तो नेचुरली कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। नाम बताया?